टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला कहानी के लेखक राही मासूद राजा हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक बचपन की बात करता है। बचपन में बच्चे को जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वह वही रहना चाहता है। टोपी शुक्ला दो अलग अलग धर्मों से जुड़े बच्चों और एक बच्चे व एक बूढ़ी दादी के बीच स्नेह की कहानी है। इफन और टोपी शुक्ला दोनों गहरे दोस्त थे। एक दूसरे के बिना अधूरे से परंतु दोनों की आत्मा में प्यार की प्यास थी। टोपी हिंदू धर्म का था और इफन की दादी मुस्लिम, परंतु जब भी टोपी इफन के घर जाता था दादी के पास ही बैठता। उनकी मीठी पूरबी बोली उसे बहुत अच्छी लगती थी। दादी पहले अम्मा का हाल पूछती, दादी से रोज़ कुछ ना कुछ खाने को देती, परंतु टोपी खाता नहीं था। फिर भी उनका हर शब्द से गुट की डली सा लगता था, इसलिए उनका रिश्ता अटूट था। इफन की दादी जितना प्यार इफन को करती उतना ही टोपी को भी करती थी। टोपी से अपनत्व करती थी। उनकी मृत्यु के बाद टोपी को ऐसा लगा मानो इस पर से दादी की छत्र छाया ही खत्म हो गई है। इसलिए टोपी का इफन की दादी की मृत्यु के बाद उसका घर खाली सा लगा। को नमस्कार, मेरा नाम कनिषा श्री है। मेरा स्कूल का नाम माउंट लिटरा जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं 8वीं कक्षा पढ़ती हूँ। एक सबसे कठिन समय नहीं है, नहीं एक सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में दिन का और उड़ने की तैयारी में है। अभी भी चस्ती चरती कुई पत्ती यामने को बैठा है हाथ एक बावत। यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए निराशा नहीं होना चाहिए। चिड़िया पेड़ पर अपनी चोंच दिन का दबाते हुए उड़ने की तैयारी में है। उन दिनों से गौशाला बनाएगी चिड़िया। दैनिक भी निराशा नहीं देखती हैं। पेड़ से पत्ती गिर रही हैं, उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार हैं। हिरते लोग को सहारा देने के लिए सदा कुछ लोग तैयार हैं। मीनिंग्स, चिड़िया बर्ड, दिन का है चोंच पीक, गंतव्य डेस्टिनेशन दोनसल नेस्ट, निराशा अपसेट सहारा सपोर्ट, पत्ती लीफ उड़ना टू फ्लाई, पेड़ ट्री रेलगाड़ी ट्रेन, प्रतीक्षा एक्सपेक्टेशन सूरज डूबना सनसेट, सुख हैप्पी जन पीपल दबाना विथ होल्ड। थैंक यू। हाय दोस्तों, मेरी नाम इनेह है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं माउंट लिटरा जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं आपको फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। भीष्म का त्याग। राजा शांतनु का पुत्र भीष्म था। माता का नाम गंगा माता थी। सारी विद्याएं अपने बेटे पर भीष्म को सिखा कर चली गईं। राजा शांतनु ने एक दिन सत्यवती नामक सुंदर युवती से मिले। राजा ने उससे शादी करना चाही, पर सत्यवती ने कहा, मेरे पुत्रों को आपके बाद राजा बनाए तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। राजा अपने पुत्र भीष्म को राजा बनाने चाहते हैं, इसलिए वे वहां से आ गए। इसे सुनकर भीष्म सत्यवती के यहाँ गए और यह
प्रतिज्ञा करने लगे कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, आपका बेटा ही राजा बनेगा। इस प्रकार अपने जीवन को त्याग करके अपने पिताजी को सत्यवती से शादी कराई। भीष्म का त्याग सबसे ऊंचा माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। Good morning to all. My name is Dinesh Kumar, grade 7 MLZS. Today we are going to study about Hindi topic Bhishma ka tyag. Raja Shantanu ka putra Bhishma tha, mata ka naam Ganga, mata thi sari vidyaye apne bede Bhishma ko सिखा कर चली गई। राजा शंतनु ने एक दिन सत्यवती नामक सुंदर युवती से मिले। राजा ने उससे शादी करना चाही, पर सत्यवती ने कहा, मेरे पुत्रों को आप के बाद राजा बनाए तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। राजा अपना पुत्र भीष्मा को राजा बनाना चाहते थे, इसलिए वे बहुओं से आ गाचे। इसे सुनकर भीष्म सत्यवती के यहाँ गए और यह प्रतिज्ञा करने लगे कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा, आपका बेटा ही राजा बनेगा। इस प्रकार अपने जीवन को तैयार करके अपने पिताजी को सत्यवती से शादी कराई। भीष्म का त्याग सबसे ऊंचा बना जाता है। सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरी ओर से स्वतंत्र दिवस की बधाइयां हैं। अगस्त 15 हर साल इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन के लिए कई लोग अपने पूरी जिंदगी को इस दिन को देखने के लिए सदामार गाने के साथ साथ चेलबाश भी बोलते थे। हम दो केवल उन नेताओं के बारे में बोल रहे हैं पर जिन्होंने उनके पिंच कड़े होकर उनके आंदोलन में भाग लिया, उनको भी हमें स्मरण करना चाहिए। कभी भारती अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए अपनी कविताएं द्वारा लोगों में जागृत फैलाते रहे। वांसनाथन, तिरुपुर कुमारन आदियों ने अपनी जान देकर अपने देशभक्ति को प्रकट कर चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस का अर्थ यह नहीं है
की झंडा फहराकर मिगालियां बांटना सदा देश की राह में हमारे सहयोग भी देना चाहिए। अपना भाषण खत्म करने के पहले इस बात को सबके मन में बिठाना चाहती हूँ। हमारे धर्म जाति भाषाएं अलग अलग होने पर हम सब भारतीय हैं। जय हिंद।